मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर माफिया अतीक अहमद के बेटे का 2 दिनों पहले करीब एनकाउंटर कर दिया गया था उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। आज फिर खबर आती है कि आज अतीक अहमद का ही हत्या कर दिया गया है। दोस्तों हत्या नहीं, निर्मम हत्या कर दिया गया, क्योंकि इसको हत्या तो कहना कहीं से भी लाजमी नहीं है, क्योंकि भैया इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बाद, इतनी पुलिस की सिक्योरिटी के बाद, इतना मीडिया होने के बावजूद ये हत्या होता है, तो कहीं ना कहीं ये निर्मम हत्या है। और खबर आ रही है कि अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ दोनों मतलब मेडिकल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज आए थे, और उस समय पर मीडिया वाले, नेशनल मीडिया वाले बाइट्स ले रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कि आपको अपने बेटे के जनाजा से नहीं मिलने दिया गया। मतलब अतीक अहमद का जो बेटा का एनकाउंटर हुआ था उस टाइम पे असद अहमद से अतीक अहमद नहीं मिल पाए थे। इसी पर कई सवाल दाग रहे थे मीडिया वाले, नेशनल मीडिया वाले थे वहाँ पर, कई 500-100 कैमरे लगे हुए थे वहाँ पर। और भैया साहब इतना खतरनाक तरीके से ये मर्डर हुआ, आप सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जी दोस्तों, ये एक जंगल का काम हो सकता है। आप सुनिए किस तरीके से हुआ। दोस्तों वहाँ पर मेडिकल कॉलेज में मेडिकल चेकअप के लिए दोनों आए थे, अतीक अहमद और भाई अशरफ उसके, और दोनों की हत्या होती है। हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस वालों को, सरकार को अंदाजा था कि भैया ये एक माफिया है, एक गैंगस्टर, कितने लोगों को इन्होंने मारा है, अतीक अहमद ने कितने लोगों को भाई उत्तर प्रदेश में मारा है इन्होंने, सही, ये गैंगस्टर है भाई, बहुत बड़ा माफिया था। तो उनको कहीं ना कहीं अंदेशा था कि भैया यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने हाई अलर्ट सिक्योरिटी की थी, सरकार ने हाई अलर्ट सिक्योरिटी की थी, और पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर मात्रा में थे अतीक अहमद और अशरफ का मतलब सेफ रखने के लिए, क्योंकि कहीं से भी गुंडा आ सकता है और इसको मार सकता है। और भैया करीब कई कैमरे थे, नेशनल मीडिया के कई कैमरे थे, और कैमरा के सामने भाई तीन लोग आते हैं, और भाई वो पत्रकार के भेष में आते हैं, क्योंकि उसको पता था अगर हम गुंडों के भेष में आएंगे तो हमें कहीं ना कहीं घुसने नहीं दिया जाएगा। वो पत्रकार के भेष में आते हैं और भाई घुसते हैं, करीब 30 मिनट तक उसका इंटरव्यू चलता है, और जैसे ही मतलब कि पत्रकार सब थोड़ा हटने लगते हैं तो भैया ये उठते हैं और भैया माथे में भाई गोली मारते हैं। और कसम से कहीं ना कहीं उसका प्लान था कि आज अतीक अहमद और अशरफ को ख़त्म ही करना है, तो भैया उन्होंने मतलब प्री प्लान के साथ आया था, और भैया माथे में गोली मारते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि भैया जो हत्यारा है ना, ये भागा नहीं, वहीं पर जय श्री राम चिल्लाने लगा और कहने लगा कि हमने बहुत बड़ा माफिया का खात्मा कर दिया है, बहुत बड़ा गैंगस्टर का खात्मा कर दिया, और हमें बहुत खुशी है, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया। लेकिन भैया ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा करने वाला है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, कहीं ना कहीं योगी सरकार के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। एक तरह से भाई मिर्जापुर वाला कांड हो गया यार, मतलब इतना हाई अलर्ट सिक्योरिटी के बाद किसी का मर्डर कैसे हो सकता है भाई। भैया अगर आपको मतलब मारना ही था तो भैया आप यार एनकाउंटर करवा देते ना कम से कम, तब ठीक रहता भाई। चलो एनकाउंटर हो गया, एक माफिया का एनकाउंटर हो गया, ठीक हो, मतलब ये बात खत्म हो गया, जो भी करना था भाई आप कर देते। लेकिन भाई इस तरीके से करना कहाँ से भी जायज, आप सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं रूह को कपा देने वाली भाई ये थी। आप सुनेंगे ना आपकी रूह कांप जाएगी, आज फिर ऐसा हुआ, कल फिर ऐसा होगा भाई, तो फिर ये सरकार का राज रहा का, ये तो जंगलों का राज हो गया ना। और दोस्तों जरूरी बात ये है कि इसमें जो हत्यारा, ये तीनों हत्यारा जो था, इसका प्लान था सिर्फ अतीक और अशरफ, ये दो ही इसका प्लान था मारने का, क्योंकि वहाँ पर भाई इतनी हाई अलर्ट सिक्योरिटी थी और इतने पुलिस वाले थे, इतने मीडिया बंधु थे, तो भैया अगर दूर से ऐसा शूट वाला प्लान करते तो भाई कई लोग घायल होते। तो इसका मेन प्लान था कि हमें अतीक और अशरफ को ख़त्म करना है और किसी को नुकसान नहीं करना है। बाकी भाई फायरिंग में एक कांस्टेबल घायल हो गए, जो कि काफ़ी दुखद है। और भाई इस तरीके से मानते हैं यार ये हत्यारा है, इसने उत्तर प्रदेश में कई गुंडों वाला तांडव किए हैं मुझे पता है, पर इसका सोल्यूशन इस तरीके से नहीं हो सकता भाई। इसका सोल्यूशन भाई एनकाउंटर हो सकता था, लेकिन भाई कोई आदमी गुंडा आता है और इस तरीके से मार देता है भाई, यार एक डर को पैदा करता है यार, मतलब क्या है ये जंगल थोड़ी है भाई। एनकाउंटर एक सही चीज़ है भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार जो कर रही है गुंडों पर एनकाउंटर वाला काम कर रही है, ये जारी रहे, मैं भी चाहता हूँ ये जारी रहे ताकि गुंडे का खात्मा हो। और भाई हमें खुशी होती है जब उत्तर प्रदेश की सरकार एनकाउंटर करती है ना, तो हमें खुशी होती है, क्योंकि भाई पूरे भारतवर्ष में भाई चल रहा है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग, और भैया उत्तर प्रदेश में हम लोगों को बीच बीच में कुछ दिनों पर देखने को मिलता है EPL, इनकाउंटर प्रीमियर लीग। तो भैया ये इनकाउंटर प्रीमियर लीग देखने में तब अच्छा लगता है जब किसी गुंडों पर ऐसा इनकाउंटर होता है, तो भाई काफ़ी अच्छा लगता है यार, दिखाते रहिए EPL, और हम चाहते हैं कि पूरे भारत में ऐसा EPL होते रहे, जो कि जो गुंडा हो, बदमाश हो, उस पर हो, निर्दोष आदमी भाई EPL नहीं होना चाहिए, इनकाउंटर प्रीमियर लीग नहीं होना चाहिए। बाकी
भैया अतिक अहमद के साथ बहुत ही बुरा हुआ। मतलब बुरा इसलिए हुआ क्योंकि भाई ये एक निर्मम हत्या था, इस तरीके से हत्या नहीं करना चाहिए। अगर इसका हत्या अगर एनकाउंटर के दौरान होता तो ठीक होता। बाकी आप क्या सोचते हैं इस बारे में लिखिए कमेंट में, और आप क्या सोचते हैं अतिक अहमद को जो हत्या हुआ इस तरीके से हुआ, ये क्या सही हुआ या एनकाउंटर के तौर पर इसका हत्या होना चाहिए था। बाकी कमेंट में आप लिख सकते हैं और अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बाकी दीजिए हमें इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय हिंदुस्तान।